फहीम अशरफ बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रहे थे, 66 गेंदों पर वह 44 रन स्कोर कर चुके थे, इसके अंदर 8 चौके शामिल थे। पहले दिन का खेल ख़त्म होने में सिर्फ एक घंटा बचा था जब फहीम अशरफ रन आउट हो गए। इसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 217 रन के ऊपर सिमट गई। वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी ज़्यादा खुश होगी कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को इतनी जल्दी आउट कर दिया, बट अल्टीमेटली पाकिस्तानी टीम के लिए जल्दी आउट होना सूदमंद साबित हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के ऊपर 5-6 ओवर सर्वाइव करने का प्रेशर मंडला रहा था और इसी प्रेशर के अंदर वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स दब गए और उन्होंने सिर्फ 2 रन की बस अपनी 2 विकटें गंवा दी। मोहम्मद अब्बास ने 2 गेंदों पर 2 विकटें हासिल करके पाकिस्तानी टीम को एक ड्रीम स्टार्ट प्रोवाइड किया। अगर हम इससे पहले पाकिस्तानी टीम की बैटिंग इनिंग्स की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित हुआ और उन्होंने जल्द पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को पवेलियन की राह दिखा दी। बाबर आजम और अजहर अली को स्टार्ट ज़रूर मिला, लेकिन वो उसको उस तरह एक बड़े स्कोर के अंदर कन्वर्ट ना कर सके। लेकिन उसके बाद हमें फहीम अशरफ और फवाद आलम के माँ बहन एक क्रूशल पार्टनरशिप देखने को मिली। फहीम अशरफ ने पाकिस्तानी टीम का रन रेट 2.25 से 2.52 तक पहुंचा दिया, जबकि फवाद आलम की जानब से हमें एक शानदार 50 देखने को मिली। दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी टीम के लिए कलीदी 85 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। एवरीथिंग वाज गोइंग क्वाइट स्मूथ फॉर पाकिस्तानी टीम, लेकिन उसके बाद फहीम अशरफ रन आउट हो गए और चाय के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम के 5 खिलाड़ी सिर्फ 31 रन के इवज आउट हो गए। देखिए, यहाँ पर हमें फहीम अशरफ की तारीफ ज़रूर करना होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं और एंड के ऊपर आके रन बनाना उनकी एक आदत बन चुकी है। ये चीज़ हमने साउथ अफ्रीकन सीरीज़ के अंदर भी खेली थी। आखिर के अंदर जब पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत होती थी रन की, तो वो एक शानदार कैमियो खेल जाते थे। देखें, अगर आप फ्रंट ऑफ स्केयर और फ्रंट ऑफ कवर के अंदर एक शानदार बाउंड्रीज लगा सकते हैं, तो इट रियली मीन्स कि आपके अंदर बैटिंग करने के जरासीम मौजूद हैं। और कल भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी, पाकिस्तानी टीम बॉल में फंसी हुई थी और एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने फवाद आलम के साथ मिल के लगाई और पाकिस्तानी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचा दिया। वेल, आज अगर मौसम इजाज़त दे तो हमारे सामने एक एक्साइटिंग सेकेंड डे ऑफ क्रिकेट पड़ा हुआ है। फोरकास्ट कंडीशन होंगी और ड्यूक बॉल की गुडनेस के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स और वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों के मां बहन हमें एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है।